कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बना रही हूँ? मैंने कहा था ना कि मैं बताऊँगी अगले वीडियो में, तो यही मैंने तैयारी की थी। इफ्तारी वगैरह, ईशा की नमाज़ वगैरह सब पढ़ने के बाद मैंने फाइनली खिचड़ी की तैयारी की थी। मैंने खिचड़ा बनाने लिया था क्योंकि फिर कल रोज़ा भी है, फिर वो सारा मतलब कितना सारा इसका काम रहता है, फिर वो लेट हो जाएगा और मुझे हर चीज़ अकेले करनी है, तो इसलिए मैंने उसकी आज रात से ही मतलब शुरुआत की है सब कुछ करके। तो ये मैंने लिया खिचड़ा बनाने के लिए, लेकिन मैं इसको यहाँ पे पूरा मतलब नहीं बनाऊँगी क्योंकि ज़रूरी नहीं, मैंने समझा कि अभी रात में ही उसको पूरा डन करूँ। तो जितनी मेरा हुआ उतनी मैंने कोशिश की है करने की, और अभी ये यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है, गुड मॉर्निंग। और बाकी का काम अभी मैंने यहाँ करने लिया है, तो ये मैंने फटाफट सुबह उठने के बाद सब होने के बाद प्याज को फ्राई कर लिया और वो तुरंत इसमें डाल दी, और बाकी की प्याज अलग से निकाल के भी मैंने रखी ताकि बाद में काम आती है ना, वो एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी लगती है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ मैंने धनिया भी डाल रही हूँ क्योंकि अच्छा लगता है ना ऐसा गार्निशिंग के लिए वगैरह, और उसके अंदर उसका स्वाद भी बहुत अच्छा है आता है। और अभी मैं पुदीना डालूंगी, मैं पुदीना कट नहीं करती, मैं आखे ही पत्ते डालती हूँ क्योंकि मुझे वैसे ही अच्छा लगता है। देखो मैंने कितना सारा खिचड़ा बनाया है, देखो ये देखो इतना सारा बर्तन बड़ा, आधे से भी ज्यादा भर चुका है। और ये प्याज वगैरह ऊपर गार्निशिंग के लिए रखी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरी नमाज हो चुकी है, नानी अभी नमाज पढ़ रहे हैं और मैं अभी करूंगी शरबत की तैयारी। मतलब शरबत की तैयारी बस हो ही गई है, बस बनाना थोड़ा बाकी है, बाकी नहीं है, ऐसे ही छोड़ दिए है। और फाइनली आशुरे का दिन, दानी सुबह सुबह जाने वाली थे लेकिन आज पता है क्या बारिश धूम मचाई है, बाहर इतना अंधेरा, हवा इतनी तेज है कि क्या बोलूं बारिश के साथ में। और बच्चों को दानिश ने नहला दिया है और अभी वो नमाज, इसलिए उनकी थोड़ी सी लेट हो गई है और मेरी पहली हो गई, वरना हम साथ में नमाज पढ़ते। फिर मैंने सोचा कि मैं अगर और साथ में नमाज के लिए और रुकूंगी तो फिर शरबत बनाना भी और लेट हो जाएगा, तो इसके लिए चलो अभी मैं फटाफट शरबत बना देती हूँ, है ना। बहुत अच्छे से हो गया है, सिर्फ इतना की बारिश की वजह से कुछ चीजें लेट हो गई, जैसे कि दानिश का सुबह सुबह जाने वाले थे वो नहीं जा पाए, और वैसे बारिश की वजह से अच्छा तो लग रहा है और रोजा भी माशाल्लाह बहुत अच्छा ही जा रहा है, सब काम खुश हो गए है, कुछ चुक्स हो गया है। लल्ला देखो नहा के किसी सफाई रूम में था, तभी मैं यहाँ हूँ ना, इसके लिए वो अभी यहाँ पे आया है। सफाई देखो कितनी चली है, नहा है ना। ए पापा आजा आजा आजा, बता सब क्वेश्चन आए तू बता, अब आज कैसा कैसा नहा दिया, ये देखो ना कैसा लगला। बोले पापा चली चोनी चोनी रुक ना, गिल्ला है ना इसके लिए रुक नहीं रहा है। अभी खूब सफाई करेगा कम से कम आधे घंटे तक ना लल्ला। ये रहा मेरा शरबत तैयार, अभी तो हम पी नहीं सकते कि रोजा है ना, रोजे के बाद इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला से, और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, अपनी आमाल में रखे और माला माल रखे, आमीन। और बहुत बड़ा दिन है आज का माशाल्लाह, यौम आशूरा, हमारे सब काम हो गए है, फातिहा हो गई है, सब हो गया है। और अभी मैं मनोर जाने के लिए थोड़ा सा लेट हुआ हूँ लेकिन जा रहा हूँ क्योंकि सुबह में बारिश बहुत थी, अभी थोड़ी थमी है, तो मैं जाऊँगा इंशाल्लाह। और आप लोग को सबको अल्लाह ताला खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, माला माल रखे, फिर से एक बार दुआ करता हूँ। आमीन आमीन। अभी मैं कर रही इफ्तारी की तैयारी, आज भी कुछ स्पेशल ऐसा कुछ नहीं है लेकिन भजी तो रहेंगे ही क्योंकि वो हम दोनों को भी फेवरेट है। तेल गरम है मेरा,
निकाल ली थी। आलू के नहीं, एक आलू के चलेगा ना, वो इसलिए तो पूछ रही थी ना चाहिए क्या। चाहिए चाहिए, तो अभी फरमाइश आई है, आलू का भी भजी चाहिए। आओ दो, बाकी दो, दो भी के दो, दो ना, साफ करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ ला के रखो बस। कितनी हवा छुटी देखो फिर से, ये हवा अगर उधर हटना ले फिरेंगे तो आलू सब जाएंगे अपने खाने में। चलो बन पड़ेगी हवा से, हवा इसका से सब तो बंद ही, तो बंद कर दू क्या, नहीं। और साथ में ऑमलेट भी बनाने वाली हूँ मैं, ऑमलेट की सब तैयारी की है। ज्यादा मत लाओ आलू का, छोटा सा, हाँ छोटे ही है वैसे, एक का बड़े। ये रही आज की हमारी इफ्तारी, कैसी है धनु, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी है, माशाल्लाह माशाल्लाह ना। आमलेट आमलेट, मिर्ची की भजी, आलू की भजी, गिले बोम्बल, शरबत शरबत, पपाया, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। रोजा अभी तक, रोजा कैसा है? माशाल्लाह ना, बहुत माशाल्लाह है। और सब लोग आ जाओ रोजे को, रोजा छोड़ने को, इफ्तारी को आ जाओ। चलो हमारा सब कुछ हो चुका है, मतलब इफ्तारी वगैरह सब कुछ, अभी नीचे जाना है, लेकिन उससे पहले सोचा शरबत पी दे, शरबत नहीं पिया था, दानिश एप्पल खा रहे और मैं पी रही हूँ शरबत, ये करके जाएंगे हम लोग नीचे, नीचे के बच्चों का सब करके आएंगे, उनके लिए दूध लेके जाने का आज। हाँ वो है, वो लेकर है ना, लेकिन देखो इतना अच्छा मोहर्रम का दिन है तो बच्चों को दूध मिलना चाहिए ना, तो अभी नीचे के बच्चों को भी चिकन और दूध दोनों लेके जाऊंगी, वहां भी थोड़ा सा कर लेंगे सुख, है ना। इसे ना जल्दी हुई यार नीचे जाने की, हाँ चल के ना, हाँ चलो चलो। उसको ऐसा कि तुम्हें ये लगा वीडियो अभी कब जाएंगी? हाँ एक्चुअली चोनी सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया है ना, दोनों रोजे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे गए, और अभी कुछ करना है दानिश के लिए भी, मेरे लिए भी, क्योंकि ये महीने कुछ है हमारे लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कितने दिन बचे? 14-15 दिन बचे बस, फिर कुछ है वो भी दिखाएंगे मिलेंगे। खाए नहीं गया कल हमने ना, मतलब इफ्तारी अच्छे से की थी, आज खाने का मन नहीं हुआ ना हनु, पता नहीं क्यों दादा खाए नहीं गया, तो हमारा सब वैसा ही बचा हुआ है। और कल एक और बात है, कल कोई आ रहा है जो कल की वीडियो में मैं शूट करूंगी, अभी नहीं, तो इस तरीके से बहुत अच्छा लग रहा है सोच के, अभी वही दानिश बात कर रहे थे ऐसा वैसा है वो, दानिश मतलब जो आ रहे हैं उनको फोन किया था, स्पेशल आदमी है। कब से आगे के लिए निकला था ये वो चालू ही था उसका कुछ ना कुछ इस तरीके से, तो चलो अभी अपन नीचे चलते हैं, फटाफट बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि 9 बज गए हैं, ये उठा दूंगी बाद में,
अभी आने के बाद यहाँ सब पसारा है, वो अटपना है, किचन बर्तन पड़े है वो करने हैं, और ईशा की नमाज अभी के लिए इतना ही काम है। क्या हो गया? कल सुबह फजर पढ़ के सोने नहीं मिलेगा ना? कल फजर बाद सोने नहीं मिलेगा, कल अच्छा खासा काम है कि जो आ रहे हैं वो दोपहर के खाने के लिए या पहुंचने वाला है, तो इसके लिए खाना पीना मुझे सब कुछ जल्दी करना पड़ेगा। तो चलो अभी इस वीडियो को यहाँ पे अल्लाह हाफिज करते हैं। दुआ में हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।